साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमा दहूम ब्रीच कोर्स टेस्ट नंबर एक। इस टेस्ट को कुल नंबर आते हैं 15 और वक्त दिया गया है 30 मिनट और ये टेस्ट हमने खाका 1-4 तक दिया गया है। इसके पहले के वीडियो में हमने चार पार्ट पे हमने खाका के चार पार्ट बनाए हैं, उनको आप फिर से एक बार देखिए। यहाँ पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उन मवाद में इन सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी आपको पेन और बयास लेकर बैठना है और जैसा मैं यहाँ पर जवाब दे रही हूँ उसे लिखकर लेना है। सवाल नंबर एक है, मंदरजा ज़ैल सवाल के जवाब एक जुमले में लिखिए कोई पाँच। यहाँ पर आपको कुल सवाल 8 दिए गए हैं जिसमें से सिर्फ कोई पाँच ही के जवाब आपको लिखना है और इसे मार दिए गए हैं 5। सवाल नंबर एक है, आवाज़ क्या है? ये अम्मी खाका एक में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आवाज़ क्या है? आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। सवाल नंबर दो है, मियार हरकत क्या है? एसआई निज़ाम और सीजीएस निज़ाम में इकाइयां लिखिए कि एसआई निज़ाम में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और सीजीएस निज़ाम में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसका जवाब अमले खाका नंबर दो या एक्टिविटी नंबर दो में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर तीन है, जौहर के मरकज़े में कौन से बुनियादी ज़र्रात पाए जाते हैं? के मरकजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बुनियादी ज़र्रात पाए जाते हैं। इसका जवाब अम्ले खाका 3 या एक्टिविटी नंबर 3 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 है, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले तेजाबी और असासी शय के नाम लिखिए। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले तेजाबी शय, जैसे हम चाइनीज जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिरका या विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? तेजाब है। उसके बाद लीमू है, इमली है, ये सब क्या है? तेजाबी अशिया है। असासी, हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले असासी शय है। इसका भी जवाब अमले खाका 4 और वीडियो नंबर 4 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 5 है, मर्दों और औरतों की आवाज़ों के वक्फे दौर में कौन सा अहम फर्क होता है? यानी कि मर्दों और औरतों की आवाज़ों के वक्फे दौर में अगर मुवाजा ना किया जाए तो क्या फ़र्क नज़र आता है? तो मर्दों का वक्फे दौर औरतों की आवाज़ के वक्फे दौर से कम होता है। मर्दों का वक्फे दौर 85 से 155 हर्ट्ज होता है जबकि औरतों का 165 से 255 हर्ट्ज होता है। इसका जवाब अमली खाका 1 में या आवाज़ के मुताले इस सबक में मिल जाएगा। सवाल नंबर 6 है, खमदार यानी मोड़ वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए रेहान ने मोटरसाइकिल की चाल और सिम दोनों को बदली, इसकी वजह से रफ्तार पर क्या असर होगा? जब भी चाल या सिम दोनों से कोई एक बदलती है तो रफ्तार पर उसका असर होता है। अगर चाल और सिम में से सिर्फ चाल बदलती है या सिर्फ सिम बदलती है तब भी रफ्तार पर उसका असर होता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि रफ्तार में तब्दीली होती है। सवाल नंबर 7 है, कीमियाई मसावत मुकम्मल कीजिए। कीमियाई मसावत दी है CaCl2 + Na2SO4। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन यानी 2NaCl और उसके बाद CaSO4, इस तरह से मसावत तैयार होंगी। सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल है, आफाकी मंजर क्या है? कोई दो कुदरती मंजर के नाम लिखिए। आफाकी मंजर मतलब कुछ कुदरती और मसनू रंगीन महलों तेजाबी और असासी महलों में दो मुख्तलिफ रंग जाहिर करते हैं। ऐसे रंगीन महलों का तेजाब असास मंजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। सबक नंबर 5, तेजाब असास और नमकियात में इसका जवाब मिल जाएगा या फिर एक्टिविटी 4 में इसका जवाब मिल जाएगा। आगे पूछा गया है, कोई दो कुदरती नज़र के नाम लिखिए। तो कोई दो कुदरती नज़र हल्दी है, रेड कैबेज है, चकंदर है और जामुन। सवाल नंबर 2 है, मंदरजा ज़ैल सवाल के जवाब लिखिए। नंबर 1, बालासुती आवाज़ के 2 इस्तेमाल लिखिए। बालासुती आवाज़ के 2 इस्तेमाल लिखने हैं आपको, जिसमें आपको 2 मार्क मिलेंगे। यहाँ पर 2-3 इस्तेमाल बता रही हूँ मैं। एक जहाज से दूसरे जहाज के दरमियान रास्ता कायम करने के लिए बालासुती का आवाज का इस्तेमाल होता है। उसी तरह प्लास्टिक की सतहों को वेल्डिंग के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं और दूध जैसे माए ज्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फना करने के लिए भी बालासुती आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। दिल की धड़कन के मुताले के लिए भी बालासुती की लहरों का इस्तेमाल किया जाता है। नौम के दरसे किताब में पेज नंबर 131 पर बालासुती आवाज़ के कई इस्तेमाल है, वहाँ से आप इसका जवाब ले सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, मेरा रंग नीला है, मुझ में आप कलमों के सालिमात है,
अगर मुझको गर्म किया जाए तो मैं सुकूत में तब्दील हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ पहचानिए और मेरा कीमियाई जाब्ता लिखिए। इसका जवाब आपको लिखना है CuSO4.H2O। इस सवाल में पूछा गया है कि मेरा रंग नीला है और मुझमें क्या है, पानी के सारे मात्रे, और अगर मुझे गर्म किया जाए तो क्या होगा, सुफूक में तब्दील होगा, तो मुझे पहचानिए और उसका कीमियाई जाब्ता भी, मेरा कीमियाई जाब्ता भी लिखना है। तो यहाँ पर उसका जवाब CuSO4.H2O। सवाल नंबर 3 है, मंतजर जुदोल मुकम्मल कीजिए। जुदोल के पहले खाने में नंबर शुमार दिया है, दूसरे खाने में यू की कीमत दी गई है, तीसरे खाने में ए की और चौथे खाने में टी की और पांचवे खाने में उसका जाब्ता दिया गया है वी बराबर यू जमा ए टी। तो नंबर 1 का यू कितना है, सिफर है, और ए कितना है, फाइव है, टी कितना है, फाइव है। तो वही जो कीमत यहाँ पर दी गई है यहाँ पर रखनी है, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो यू की कीमत है 0, 0 प्लस ए की कीमत है 5, टी की कीमत है 5, 5 मल्टीप्लाई 5, तो वी की कीमत क्या आएंगी हमारी 25। दूसरे इसमें वी की कीमत दी गई है, टी की कीमत दी गई है, ए की है, हमें यू मालूम करना है, उसी हिसाब से में हम एम की कीमत लगेंगे, वी की कीमत क्या है 16, तो 16 बराबर यू जमा 8 जरब ए। यहाँ पर आपको उसको हल करके जवाब लिखना है, यहाँ मैं खास करके आपको जवाब नहीं दे रही क्योंकि ये आपको हल करना है। सवाल नंबर 4 है, सोडियम की ग्रिफ्ट 1 है, वजाहत कीजिए। सबसे पहले हम ग्रिफ्ट क्या है समझ लेंगे। आयनिक बंदिश बनते वक्त अंसर का जोहर जितने इलेक्ट्रॉन खोता है या हासिल करता है वो तादाद इस अंसर की ग्रिफ्ट होती है। सोडियम जोहर में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1। सोडियम का एक जोहर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए सोडियम की ग्रिफ्ट कितनी भी 1। सवाल नंबर 5 है, जेल की शक्ल का मुशाहिदा करके नामजद किए नंबरात के नाम लिखिए। एक शक्ल दी गई है और चौखन खानों में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर उस शक्ल के आपको नामजद करना है। ये आपको पेज नंबर आपकी दर्सी किताब में पेज नंबर 133 पर शक्ल मिल जाएंगी, वहां से देखकर आप उसके नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, बरगुजार अशिया की खसूसियात लिखिए। सबसे पहले बरगुजार अशिया क्या है देखेंगे। जिस महलूल में आयनों का बड़े पैमाने पर इख्तराक होता है इन्हें बरगुजारी हासिल होती है। बरगुजार अशिया की खसूसियत क्या होती है, ये कभी तेजाब कभी एसास और नमक के पानी में मुकम्मल क्या होती है, तहलील होती है। तहलील से बड़े पैमाने पर मजबूत आयन और मनफी आयन वजूद में आते हैं। आखिरी सवाल है, KOH इस मरकब का नाम लिखिए और सारिमिक कमियत मालूम कीजिए। KOH इस मरकब का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सारिमिक कमियत मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, इसका जब्ता है सालिमी कमियत बराबर जो पोटेशियम की जोहरी कमियत जमा ऑक्सीजन की जोहरी कमियत जमा हाइड्रोजन की जोहरी कमियत। पोटेशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों की जोहरी कमियत दी है, तीनों को जमा करने पर हमें क्या होंगे, सालिमी कमियत मालूम होंगी। 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा, 56। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस मरकब का सालिमी कमियत है 56 डाल्टन। यहाँ पर सवाल के जवाब खत्म हुए। सवाल नंबर 1 में 8 सवाल दिए हुए हैं, आपको पास करना है, हर सवाल के जवाब के लिए 1 मार्क है। सवाल नंबर 2 में 7 सवाल दिए हैं, आपको कोई पास ही लिखनी है, हर सवाल के जवाब के लिए 2 मार्क है। इस तरह से आपका ये 15 मार्क का टेस्ट खत्म हुआ। अगर कोई आपको मुश्किल आती है या आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर सवाल